चलिए आज व्यूअर्स दीवान पे बनाते हैं टोमेटो राइस, जो एकदम सिंपल और बेसिक तो है ही, पर साथ ही में डिलीशियस भी है और बैचलर्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। टोमेटो राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर की जगह पे आप घी भी यूज कर सकते हैं। बटर ऐड करने से टोमेटो राइस का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। राय और जीरा के चटकने के बाद ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून काजू के टुकड़े। अब इसमें जाएगी 1 हरी मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और साथ ही में ऐड करेंगे 1 सूखी लाल मिर्च जिसे मैंने तोड़ के ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया है, वो ऐड करेंगे। प्याज को हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब इसमें जाएंगे 2 बड़े टमाटर जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम इसे कवर कर लेते हैं और टमाटर को गल जाने तक पका लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जो ऑप्शनल है। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए धनिया ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती राइस लिए है जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि ये खिले खिले बने, वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। अब राइस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पर हमें इसे ज़्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो बासमती राइस टूट सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। अब लास्ट में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। पानी में 1 उबाल आने देंगे। इसमें 1 उबाल आ चुका है। अब हम कुकर को बंद करेंगे और 1 विसल आने तक पकाएंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे पकाना है। 1 विसल हो चुकी है। अब हम कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और इसके बाद ही इसे ओपन करेंगे। अब धनिया से इसकी गार्निशिंग करेंगे। गर्मा गर्म फ्लेवरफुल टोमेटो राइस बनकर तैयार है। आपने देखा ना इसकी रेसिपी कितनी आसान है। आप इसे रायता और पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।